इंसान का मन किसी चीज की तलाश करता है, वो कुछ जिंदगी चाहती है, ढूंढती है किसी चीज को, और ये ढूंढ उसके अंदर क्यों पैदा होती है, ये एक सवाल मेरे अंदर में आता है। इस वास्ते कि जिस्मानी जिंदगी इंसान के अंदर जो जिस्मानी प्रकृति है, जब ये कमजोर हो जाती है, उस वक्त जिस्मानी बेचैनी पैदा होती है। तुम देखो, जिसकी सेहत ठीक है, बच्चे को देखो, वो किसी सूरत में भी ज्यादा रोएगा नहीं, खुश रहेगा। जिसकी मन की आशाएं कम हैं, जिसकी दुनिया की जरूरतें पूरी हैं, वो भी कम हाय हाय करेगा। जिसको किसी बात का पता नहीं है, स्वाभाविक उसके अंदर उस बात के जानने की कोशिश रहेगी। तो तीन चीजें हैं जो हमारी जिंदगी को अशांत करती। एक जिस्म की कमजोरी, बीमारी, एक हमारी आशाओं का पूरा ना होना, और एक हमारा अज्ञान। ये तीन चीजों की वजह से हम इस संसार में अशांत होते हैं। इंसान की अशांति का मुख्य कारण उसका मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य की गिरावट है। तुम लाख नाम जपो, रोते रहो, पीटते रहो गुरु के दरबार में जाकर, जब तक तुम अपनी मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य को तुम कायम नहीं रखोगे, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे, तुमको शांति नहीं मिलेगी। तो इस वक्त जितने ये सत्संगी बैठे हुए हैं, इनमें से किसी को जबाबतीस है, किसी को जिरियान है, किसी को अनीमिया है, किसी को कुछ है। ये नाम जपते हैं, काश ये नाम की बजाय अपने करैक्टर का, अपने ख्यालात का, अपने विचारों का ध्यान रखते। मैंने अपने आप को संसदगुरु वक्त कहा है। संसार के अंतर सतगुरु नाम है सच्चे ज्ञान का, वो देता हूं। तेरी मन की अशांति, तेरी जिंदगी की अशांति का मुख्य कारण, ए इंसान, तेरा मानसिक और शारीरिक ब्रह्मचर्य की गिरावट है। मेरा एक मित्र है यहां बैठा हुआ, नाम नहीं लेना चाहता। उसने मेरे दाता दयाल से नाम लिया था, किसी दूसरे देश में रहता था।
वहां जाकर एक साधु के काबू आ गया, जिसने कहा मैं तेरी सूरत चढ़ाऊंगा, 10,000 रुपया दे के वहां लुट गया। दाता देरा का चोरा छूट गया। फिर किसी वक्त मेरे पास आया, अपनी बात कही। मैंने कहा तेरियां समाधियां कैसे लगेंगी, तू तो महाकामी रहा है, बोल। उसने माना। ये मेरे तजर्बे हैं जो मैं संत सतगुरु वक्त की हैसियत में संसार को बताना चाहता हूं। लाख तुम प्रार्थनाएं करो, लाख सिर पट के मर जाओ, जब तक इस कुंजी को तुम नहीं पकड़ोगे, तुमको शांति या माल का घर नहीं मिलेगा। मेरा अपना जीवन मेरे सामने है, मेरा तजर्बा है, जाती अनुभव है। मैं कहीं कहाई बातों को नहीं देखता, ना सुनता हूं। यही बात राय साहब हजूर मोहल्ला मुकद्दस सालग्राम जी की जात पाक ने, एक किताब है उसमें लिखी है। लोग नाम ले लेते हैं, जो अनुपान नाम के साथ बताया जाता है उस अनुमान को नहीं लेते, उसका नतीजा उनको नाम का फल नहीं मिलता। ये मेरा पैगाम है उस मालिक को मिलने वालों का, या शांति की इच्छा करने वालों का, उनको कह जाता। तो अशांति का पहला कारण यह है, हमारी सेहत खराब होती है। इसका सेहत के खराब होने का कारण हमारा जीभा का स्वाद है ज्यादातर, कुछ हमारा विषय वकार का जीवन है। जो आदमी अभ्यास करते हैं, नाम जपते हैं, अगर वो अपने जीभ पर कंट्रोल नहीं रखेंगे और विषय वकार में भी रहेंगे, उनको शांति या नाम की प्राप्ति नहीं हो सकती। मेरा अपना जीवन है, बसरे बगदाद में 12 साल रहा, मानसिक और शरीर बंद ठीक था। दाता ने कहा अब औलाद पैदा करो, फकीर अभ्यास छोड़ दो। मैं घर में आया, अगर औलाद के ख्याल ही से इसलिए के पास जाता तो कोई तकलीफ नहीं था, मैं तो अपने स्वास्थ्य के लिए इसलिए के पास जाता रहा। मगर चूंकि अंतर में अभ्यास करने की लज्जत थी मुझको, मैं अभ्यास भी करता रहा। नतीजा ये हुआ मेरी सेहत गिर गई, मजबूरन अनाज को छोड़ना पड़ा। जब मैं कहीं जाता, मैंने 35 साल अनाज नहीं खाया, कनक नहीं खाई, चावल नहीं खाए, दालें नहीं खाई, सिर्फ सब्जियां ही खाता था। जहां जाता लोग कहते महात्मा जी बड़े त्यागी हैं महाराज। महात्मा जी बड़े त्यागी हैं, त्यागी
मैं उनको हंसा करता था, त्यागी नहीं हूं मैं, ये मेरे बुरे कर्मों का नतीजा है। तुम सोचो, मैंने प्रण किया था, अपना अनुभव कह जाऊंगा, संसार के प्राणियों के हित के लिए मैं वचन कह रहा हूं। एक तो हमारी अशांति का ये कारण है, तुम बेशक किसी गुरु के पास से नाम ले लो, जब तक अपनी जबान के चक्के को, अपने विषय वकार के जीवन को, ये नहीं मेरा मतलब कि स्त्रियों को त्याग दो, स्त्री साथी है तुम्हारा, जीवन की साथी है, मगर तुम लोगों ने जीवन की साथी स्त्री पुरुषों ने यह समझा हुआ है कि काम को भोगने के लिए ही जीवन की साथी है। सोच लो, ये बाणियां लिखी हुई हैं, एक शब्द है, अरे मन रसिया काया के बसिया, निकलता से निकालो कहीं छोड़ो, ऐसे ऐसे शब्द हैं। तो इस शब्द में पुकार की गई है गुरु से, गुरु इस पुकार का जवाब क्या देता है जीव को, उसको शांति के हासिल करने के लिए गुरु बताता है, ये तो कह देते हैं मात शराब ना खाया कर, जो असली चीज कहने वाली है वो तो कहता कोई नहीं, भाई जीव का स्वाद ना खींचा कर, बिचे ही मात छूट गया, बिचे ही शराब छूट गया। क्या कहा मैंने, नहीं निकला तो ना सही। अच्छा, समझ गए मेरी बात को। पहली अशांति तो हमारी ये है, दूसरी अशांति है हमारी मन की तिरंगे और आशाएं। मन की तिरंगे और आशाएं, उसके लिए क्या ज्ञान है, मौज पर रहना, मौज पर रहना। जिनको नाम दिया जाता है उनके लिए पहली शर्त ये है, जिसको गुरु नाम देता है उसको कब नाम देता है, पहली शर्त ये है जो राधा स्वामी दयाल ने अपनी बाणियों में लिखी है कि भाई रज रन और जमीन को मौत के हवाले छोड़ के आ। रज रन और जमीन को मौत के हवाले छोड़ के आ। क्यों कहा स्वामी जी ने ये, क्योंकि स्वामी जी जानते थे कि उस स्वामी जी ने किसी को जर नहीं देना, जमीन नहीं देनी। अगर स्वामी जी जर जमीन दे सकते होते तो ये शर्त आयद ना करते। आंख खोलो, मैं क्या कह रहा हूं। क्यों, जो कुछ तुमको इस दुनिया में मिलता है वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों का फल है। जो जो कर्म पिछले तुम लोगों ने किए हुए हैं उनके मुताबिक, या जो कर्म यहां करोगे उनके मुताबिक
तुम्हारी जर जन और जमीन का संबंध होता है। समझ रहे हो मेरी बात को? सत्संग में आते हो, कान खोल कर सत्संग सुना करो, वरना मत आया करो। क्यों अपना कीमती वक्त जाया करते हो? जो कुछ किसी को मिलना है, मिलेगा, मिलता है, वो उसके अपने ही कर्म का फल है। कोई महात्मा, कोई गुरु तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों को नहीं काट सकता। हजूर बाबा सांवरे शाह की जात पात की टांग टूट गई, उनके गुरु थे बाबा जैमल सिंह की जात पात। क्या बाबा जैमल सिंह ने उनकी टांग तोड़ने को क्यों नहीं मदद की कि टांग ना टूटे? हजूर महाराज का लड़का मर गया, सत्संग में आए स्वामी जी तेरा उदास थे, पूछते हैं महाराज आप उदास हैं, तेरा लड़का मर गया। जी मुझे कोई अफसोस नहीं। अच्छा हमें भी कोई अफसोस नहीं। अब स्वामी जी ने हजूर महाराज के लड़के को क्यों ना बचाया? क्या कह रहा हूं संसार वालों, आंखें खोलो। इस बात को संतोष रखा करो, हाय हाय करने से। कर्म का आज एक शख्स मेरे पास सुबह मिला, उसकी औरत दिमाग का आउट है, क्योंकि उसके बच्चा भी कोई नहीं, घर में चला रखती है, वो बहुत दुखी है। आज बरसों जब मैं फरीदकोट में स्टेशन मास्टर था, मैं चारपाई पर बाहर सुबह लेटा हुआ था, वो शख्स मेरे पास आया, कहता यहाँ कोई राजा स्वामियों का सत्संग होता है। मैंने कहा भाई और तो कोई राजा स्वामियां नहीं है, मैं ही हूं। वो सत्संग में आता रहा, तो जब मैंने सत्संग किया, वो शब्द निकला था, वो आदमी बैठा हुआ यहां सुनता होगा, तब ये निकला, मत देख पराए अवगन, क्यों पाप बढ़ावे छिन छिन, मक्खी से मत कर भिन भिन। वही शब्द निकालो, मत देख पराए अवगन, क्यों पाप बढ़ावे छिन। वो शब्द निकला, उस शब्द पर मैंने अपना भाषण दिया। वो शख्स मेरे पांव पर पड़ता, कहकर बाबा जी आपने बचा लिया। क्यों? मैं अपनी औरत से दुखी होकर खुदकशी करने के लिए घर से निकला था। वो शख्स यहां मौजूद है, नाम ही मैं लेना चाहता। हम जब दूसरों के ऐप देखते हैं, हम अपने कर्मों को बढ़ाते हैं। क्योंकि जब हम किसी की बुराई करते हैं, किसी में ऐप देखते हैं, किसी के साथ ठगी करते हैं, हम अपने कर्मों को बढ़ाते हैं। वो कहता था आज सुबह मैं महाराज अपना सेवा तेजू संख्या के पास ले गया, उसने कहा कि तू पिछले जन्म में ये था, किसी औरत के साथ मिलकर के तुमने उस औरत के खावन के साथ कोई बुरा सलूक किया या मरवा दिया या क्या किया, उसके फल के इवज में तुमको ये मिलते हैं। हिंदू फिलॉसफी गलत नहीं है। इसलिए ऐ संसार वालों, मैंने अपने जीवन में
ग्रस्त में भी और उस गुरु पर्दे में भी आकर इस बात को पर्दे में नहीं रखा जिस बात को पिछले संतों ने पर्दे में रखा, डर गया। लोग कहते हैं मेरा रूप उनके अंदर प्रकट होता है, गवाहियां बताता है, सुरते चढ़ाता है, मैं नहीं होता। अगर मैं ये नहीं कहता पब्लिक को, चुप कर जाता हूँ, लोगों के सामने लाउड स्पीकर रख देता हूँ, सुनो भाई ये क्या कहता है, इनडायरेक्ट वे से अपने मान के लिए, तो मैं इस कुकर्म से कैसे बच सकता हूँ? सोचो मैं क्या कह रहा हूँ। तो हम एक दूसरे की बुराई करते हैं, बेगुनाहों को इल्जाम लगाते हैं अपने स्वार्थ के लिए, तो अवगुणी देखते हैं ना, तो उसमें स्वामी जी ने इस जहां नाम देते हैं वहां जीवों को क्या कहा है, पढ़ो। एक है पराए गन अब जो कहते हैं अपने आप को, मैं अभी सोचता हूँ अभी चंद, तू जब बात कहता है, तू जब नुक्ताचीनी करता है इस मौजूदा गलत गुरु इसम पर, क्या तू ये गुनाह नहीं कर रहा? मैं अपनी आत्मा से पूछता हूँ वाणी को सुनकर, जब मैं ऐसा कहता हूँ तो मेरा भाव ये है, क्योंकि मैं संत सदगुरु हूं, सच्चा ज्ञान देता हूं, ये भाव है कि जीवों की इसरा हो जाए, इन महात्माओं की इसरा हो जाए, इन गुरुओं की इसरा हो जाए। तो इसरा करने के ख्याल से मैं कहता हूं, मेरे भाने कोई कुछ करता फिरे? मेरे भाने कोई कुछ करता फिरे मुझे क्या? फिर मैं सोचता हूं कि तेरा ये भी तरीका गलत है। मैं कहता हूं अगर ये मेरा तरीका गलत है तो इस ऐप से दूसरों की गलतियों को बताने के कबीर भी बरी नहीं, स्वामी जी भी बरी नहीं, क्योंकि उन्होंने सबका खंडन किया है। किया है कि नहीं? खंडन, खंडन इसीलिए किया है कि उनका ख्याल गलत था, ऐप तो उन्होंने भी देखा। मगर चूंकि उन्होंने जो खंडन किया है जीवों के हित के लिए किया है, इसी तरीके से मैं जो ये बात कहता हूं, चूंकि जीवों के हित के लिए, इन महापुरुषों के हित के लिए, इन साधुओं के हित के लिए कहता हूं, इसलिए मैं अपने आप को मुजरम नहीं गिनता। आगे man।
जहाँ स्वामी जी ने गुरु नाम देता है वहाँ जीव को अनुपान बताता है। अनुपान पहला अनुपान तो मैंने तुमको बोल दिया, इस पेट को काबू रखो, पेट को काबू रखो, पेट को इसमें विष्णु महाराज रहते हैं, तुम्हारी इज्जत रखनी है। अगर तुम्हारा हाजमा ठीक है तो तुम्हारी जिंदगी अच्छी रहेगी, तुमको शांति मिलती रहेगी। दूसरे विषय वकार का जीवन कम करो। मेरा भाव ये बिल्कुल न समझना कि औरतों को त्याग। एक हजूर सांवले शाह की जात पात बहुत हाई लेवल के संत, मेरे पास एक कोई नाम भूल गया, रिटायर्ड रेलवे का अफसर था। मैं जब मिल पर आटा बेचा करता था तो वो मेरे पास बिस्तरा ट्रंक ले आया, मैं आपके पास रहूंगा। क्यों भाई? राधा स्वामी मत क्या है, मेरे पास जगह नहीं थी। मैं हंसा, मैंने कहा कि ये पूछ कि औरत से बच्चों से तुमको छुटकारा कैसे होगा, ये ना पूछ कि राधा स्वामी मत क्या है। अब वो मेरी तरफ देख के हैरान होता, आपको कैसे पता? मगर मैं जानता हूं। फिर मैं गया ब्यास, हजूर सांवरे का जो ऊपर साथ उनके बैठा हुआ था वो आदमी नीचे से गुजर रहा था। उस वक्त मैंने हजूर सांवरे का से कहा, महाराज ये शख्स मेरे पास आया था, कहता था राधा स्वामी मत क्या है। तो मैंने कहा तू ये पूछ के तू औरत और बच्चों से कैसे छुटकारा पा सकता है। तो मैंने कहा अगर हजूर ये तालीम दें, क्योंकि औरतों और बच्चों से जो तकलीफ हमको होती है कुछ तो हमारे प्रारब्ध कर्म हैं, कुछ हमारा ज्यादा विषय वकार के जीवन होने से हमारा ब्रेन का बैलेंस ठीक नहीं रहता। कहेंगे फकीर चंद बात तुमने 16 आने कही, मगर जीव ऐसे बेवकूफ हैं, अगर मैं ये कह दूं तो इन कर्मों में दोनों में चौड़ा हो जाएगा। ये औरत ब्रह्मचारी रखना चाहेगी तो मर्द उसको तंग करेगा, अगर मर्द रखना चाहेगा तो औरत उसको तंग करेगी। बात उन्होंने 16 में कही थी। अब मैं ये कहता हूं कुछ तो तुम्हारे प्रारब्ध कर्म है, मगर कोशिश ये करो कि जहां तक हो सके हम ख्याल होने की कोशिश करो। जिंदगी विषय वकार के लिए नहीं है, समझ गए मेरी बातों को? मैं सत्संग करा रहा हूँ, सत्संग से मिलता क्या है? बिन सत्संग बवेक न होई, राम कृपा बिन सलक न होई। जिंदगी के जीने का राग मिलता है। तुम बेशक 50-50 बरस के सत्संगी हो, सबको शिकायत है। क्यों शिकायत है? जो अनुपान तुमको बताया गया है नामदान के साथ, उसके तुम उसने उसको तुमने ग्रहण नहीं किया। तो इस शब्द में सबसे बड़ी चीज क्या है? दूसरों के अवगुण मत देखो, अपने काम से काम रखो, तब तुम्हारा साधन भी बनेगा, अभ्यास भी बनेगा और मन को शांति भी हो जाएगी। समझ रहे हो? पिछले कर्मों के अनुसार हमें जो कुछ मिलता है, दाता ज्ञान से मेरे नुक्ता नगा से वो परम तत्व माल के कुल के अहसास से ठीक, उनको जब पिछली उम्र में राहु आ गया तो उनके एक चेले से जोशी उनका महाराज राहु आ गया, अब आपका काम काज सब फेल हो जाएगा। हालात ऐसे बने
कि वो धाम को छोड़कर आप अलावा हो गए। सब कुछ उनकी जिंदगी में धाम में ईंट के साथ ईंट बजी हुई देखी उन्होंने खुद अपनी आंखों से। समझते हो? तो गुरुओं के पास जाके ये उम्मीद मत करो कि किसी गुरु ने तेरी जिंदगी को बदल देना है, तेरे दुनिया के जिंदगी को। जो तूने कर्म किए हुए हैं, प्रारब्ध कर्म, वो कर नहीं सकते। सत्संग से ये हो सकता है, क्योंकि तुमको ज्ञान हो जाएगा, समझ आ जाएगी, तुम वो जो दुख सुख तुम्हारे सिर पर आते हैं उसके असरात को कबूल नहीं करोगे। बस ये है गुर। समझते हो? समझना है तेरे अपने ख्याल, तेरे अपने विश्वास का फल। सोचो तो हमारे मन की अशांति का क्या कारण है? सारा सबक पड़ा था ना, अब मन आतुर दर्श पुकारे। हम कुछ चाहते हैं, क्या चाहते हैं? शांति। मालिक का रूप में सारी जिंदगी ढूंढता ढूंढता मर गया। मालिक का रूप शांति, उसका तो अपना कोई रूप नहीं, ना रूप है, ना रंग है, ना रेखा है, वो तो अकह है, अगाध, अपार और अनामी है। वो तो अकाल पुरुष है। इसका तजर्बा कैसे हुआ? आप लोगों को बताइए। बाकी जो कुछ भी तुम मानते हो वो तुम्हारा माना हुआ रूप है। मैं किसी के अंदर नहीं जाता, लोग अपने भाव से मुझे बना लेते हैं। अगर वो जो रूप उनके अंदर प्रकट हुआ है उसको वो मालिक माने, क्या वो मालिक है? वो तो तुम्हारा अपना बनाया हुआ है। मालिक तो आधार है, कुटस्थ है। दाता ने मुझ पर बड़ी दया की। मैं उस घर को जाना चाहता था जो उसमें लिखा हुआ है। वो घर को देने के लिए, मेरे अज्ञान को मिटाने के लिए ये गुरुवाणी मुझको दी। इस गुरु पदवी बढ़ाने से मेरा अज्ञान मिट गया कि वो मालिक कहाँ है। अब मुझको मालूम हो गया कि मालिक मेरी जात है। मैं उसमें ऐसे रहता हूँ जैसे मछली पानी में रहती है। वो तत्व है, आधार है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तत्व है। मैं, मेरी सूरत, तुम्हारी सूरत, मछली की सूरत में, जिस तरह मछली पानी में तैरती रहती है, इस तरह हमारी सूरत उस रात के समवज में आने से जो शब्द प्रकट हुआ, उसकी जो चैतन्यता थी, उसका नाम है सूरत। मैं उसमें फंसा हुआ था। एक शब्द निकालो, जल विच मीन प्यासी, मनुष्य मीन प्यासी, मैनु सुन सुने आवे हंसी। पता नहीं लगता था, मैं तीन तापों का मारा हुआ था। मुझको राह रास्त पर लाने के लिए दाता दाल ने बड़े कष्ट उठाए हैं। जब कभी उनकी उनकी खेलों का जो उन्होंने मेरे साथ खेले याद आती है तो मेरी दिल प्रेम के जज्बा से, एहसान के जज्बा से भर जाता। अज्ञानी जीव फकीर चंद के साथ उन्होंने अज्ञानी बन के खेल खेला और मेरे अज्ञान को मिटाने के लिए ये सब खेल उन्होंने खेला और वो मिट गया। पानी वे जमीन पे आ
तम ज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। तम ज्ञान बिना सब झूठा, क्या मथुरा क्या काशी। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासे। घर में वस्तु धरी नहीं सूझे, बाहर खोजन जासे। मोहे सुन सुन आवत हासी। मेरे साथ यही कुछ ही बीता ना, मैं तुम्हारे को सुनने के लिए सारी उम्र किसी खबत में रहा ना। दाता को बाहर समझता था, उनसे प्रेम करता था, संकेत ले दाता प्रेम से बेवकूफ बना हुआ चार चार दर्जन उनके मुंह में डाल देता। तुमको बताता हूँ गुरु कैसे उद्धार करते हैं बेवकूफों का। चार दर्जन केले लेके चला गया, प्रेमी था ज्ञानी था, गोद में बैठ गया। चारों दर्जनों के संतरे उनके मुंह में ठूंसता गया। खुश हो? हाँ खुश हूं। मैं उस पासे गया, बाहर निकले, गले में उंगली गाली निकाल दिया। आपको अपने अज्ञान की बातें बताता हूं। बसरे से आया, दो पैकेट अच्छे खजूरों के लेके आया, प्रेम से गोद में बैठ गया। वो एक इतना सा जो पैकेट था कभी, उसमें आज पाव थे कि डेढ़ शतांक थे मुझे पता नहीं। सारी खजूरें उनको खुला दी। शाम को सुबह जब उठा, जहाँ देखते हैं मैनेजर भी हर जगह चौंका दिया हुआ है, जिसने कोई चीज बच्चे चट्टी फिर देते हैं ना कि औरतें साफ कर दी, चौंका पड़ जाता है। जगह जगह पर चौंके दिए हुए। गौरी शंकर था, मैं था, महाराज क्या हुआ? कहते हैं रात को फकीर आया, मुझे अमृत भी खुला गया, मेरा जितना गंध था सब निकल गया। जाता गया, वो मुझको क्रोधित नहीं हुए कि तूने क्या किया फकीर जन। तुमको मैं बताता हूँ गुरु कौन है, किस तरह से जीवों की संभाल करता है, अज्ञानी जीवों के साथ कैसे खेलता है गुरु, उस बेवकूफ को ज्ञान देने के लिए। एक अयोध्या प्रसाद सतंगी होते थे, वो रात को जब सोते इतने कुराड़े मारा करते थे कि दूसरे आदमी रात को सो नहीं सकते। वो गया दादा जा के पास हैदराबाद, आनंदू सिंह। तो दादा ने कहा हमारे पास सो जाओ भाई। अब वो सोता नहीं था पास, कहता मैं रात को कुराड़े मारूंगा, ये डिस्टर्ब होंगे। तो जब वो ना आया तो नंदू सिंह को पूछ लिया, भाई क्यों अयोध्या प्रसाद कहाँ गया? कहता महाराज वो कहता है रात को कुराड़े मैं मारता हूँ आपको तकलीफ होगी, बुलाओ उसको। तुम्हारे वो कुराड़े नहीं है मेरे वास्ते, मेरे वास्ते लोरियां हैं। तुमको मैं गुरु मत बता रहा हूँ, गुरु क्या करता है जीवों के साथ। कुराड़े नहीं है लोरियां हैं। सात दिन रहा अपने पास, उनकी चारपाई होती जमीन पर, वहां सोता था, रात को कुराड़े मारता था। समझ गए क्या कहा मैंने? गुरु बनना, नाम दे देना आसान है, जीव की जिंदगी को संभाल सवार करके उसको राज बता देना, उसको शांति देना कुछ और मैंने है। समझ लो मेरी बात को कि नहीं, मैं क्या कह रहा हूं आपको सोचो। तो हमारी अशांति के कारण क्या हैं? हमारा अज्ञान, पहले भी मैंने कहा अब भी, वो अज्ञान है। मैं भी ऐसा ही समझता हूं। अगली कड़ी है पढ़ो मेरे गति।
वो अभिलाषी कब मिलेगा? अगर कोई गुरु मिलेगा, कोई मुझे एक ऐसा महापुरुष परम तत्व आधार माल के कुल के अवतार दाता जाल महर्षि सुब्रत लाल मिले थे, जिन्होंने मेरा ज्ञान दूर कर दिया। क्योंकि मेरे समय ये ड्यूटी लगाई गई थी कि निबल अबल अज्ञानी जीवों की सहायता करना, जगत कल्याण के लिए काम करना, जीवों को भगदागर से पार करने की गति बताना, इसलिए गुरु ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए मैंने अपनी जिंदगी में इतना काम किया है, वो ऐसा किया है कि मेरी आत्मा पर भी कोई बोझ ना आए। 420 धोखाधड़ी का भी इल्जाम ना आए और मैं अपनी ड्यूटी भी पूरी करूं। इसलिए मैंने बड़ी सतर्कता से काम किया। देखो, मुझे समझ नहीं आती थी, मैं गुरु को पार समझता था कि गुरु लाहौर रहता है या सतगुरु धाम में रहता है, वो लिखा करते सब निकालो। गुरु तो तेरे पास वसीला, गुरु तो तेरे पास, इसकी समझ नहीं आती थी। मैं इतना अपने विषय वकार के छोटी उम्र की शादी की वजह से निकल था कि मुझे होश ही नहीं आती थी कि बात क्या है। निकालो, भगवान को बताने के लिए उन्होंने क्या क्या मुसीबतें सही है, मैं समझता हूँ उन्होंने मुसीबतें सही है। मैं तो अपने हृदय में उनका रूप बना बना के उनको गुरु रूप को गुरु मान के पूजा करता था, नहीं पूजा करता था। तो चूंकि मुझे असली गुरु के रूप की समझ नहीं आती थी, उन्होंने ये गुरु कर दिया और कहा था वो बेवकूफ जन, खुद को सच्चे सतगुरु राजा स्वामी दयाल के दर्शन सत्संगों के रूप में होंगे। अब जब कुमारपुर वाली माई या कृषक या दूसरे आदमियों के अंदर मेरा रूप प्रकट हुआ और मैं नहीं था, तो मैं उस असली गुरु को ढूंढने के लिए मजबूर हुआ कि ना हुआ? क्योंकि ये तो मुझे पता लग गया कि मैं तो उसके अंदर गया नहीं। फिर वो गुरु कौन है जिसको इंसान बना बना के ढूंढता है? जहां तक मानसिक दुनिया का ख्याल है, इंसान जो रूप जिसको तू गुरु मानता तेरे अंतर में प्रकट होता है, वो तेरा अपना ही मन है। ज्ञान
समझ नहीं आती थी। ये मन तो दादा कहते हैं मन फकीर तेरे अंतर ही सदगुरु है, ये समझ नहीं आती थी खोपड़ी में। समझाने के लिए ये मुझे काम किया, मैं परम दयाल हूं, जिस ताकत ने मुझको इस तालीम के फैलाने के लिए भेजा है वो ताकत मरी हुई नहीं है, वो जिंदा है। मेरा काम निष्काम है, निष्कपट है, निस्वार्थ है, सच्चे दिल से मानव जाति का हितैषी बन के आवाज दिया जा रहा हूं कि ए इंसान, अगर तू शांति चाहता है, उस मालिक को चाहता है, तो जो कुछ मैंने कहा है वो कर। मैंने नहीं कहा, ये संतों ने कहा है, ये ऋषियों ने कहा है, मन वचन करण से शुद्ध रहने की कोशिश करो, मान से कर शीर्ष ब्रह्मचर्यों की पालना करो, हक को हलाल की कमाई खाओ। समझते हैं, प्रेम से अगर कोई तुम्हें देता है ले लो, कोई बात नहीं, मगर अगर तुम हेरा फेरी करके 420 करके किसी से अपना मतलब सिद्ध करते हो, वो पैसा तुमको खा जाएगा। ए इंसान, मालिक यहां नहीं रहता, वो अकाया पार अगाध अनामी है। जब तुम सब चीजों को छोड़ जाओगे तब अनाम पद में तुम्हारा अपना रूप है वो। जब तक तुम इस संसार में हो, ईश्वर की पूजा क्या है? मैं कहा करता हूं कि अगर सूरज की किरणें यहां हैं, अगर परमेश्वर ना करे सूरज यहां आ जाए तो तुम आग हो जाओ। अगर मालिक यहां आ जाए तो यहां तो सिवाय प्रकाश के कुछ भी नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएंगे। तो इस दुनिया में ईश्वर की पूजा क्या है? वो जो उस मालिक की किरण हर एक इंसान में आई हुई है, उस किरण उस इंसान इंसान की सेवा करे। मगर तुम लोग सब इंसानों की सेवा कैसे कर सकते हो, जिनको कुदरत ने तुम्हारे साथ लगाया है, जो तुम्हारे पूरे माँ बाप हैं, भाई हैं, सच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, जो तुम पर डिपेंड करते हैं, उनकी सेवा अव्वल करो। यह है मेरा पैगाम। इस वास्ते मैं ये रूहानियत नहीं दन करार तुमको जीने का राज बताता हूं, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड। मैं दुनिया को नाम की बजाय इखलाक की तरफ पहले राहब करता हूं। नाम के अधिकारी जो भगवान को मिलना चाहते हैं वो तो बहुत थोड़े आदमी हैं। हम लोग हेरा फेरी करते हैं, इसका नतीजा हम भोगते हैं। कर्म जो जो करेगा तू, अंत में भोगना पड़ना, ये मेरी जिंदगी के अपने तजुर्बात हैं। समझ गए मेरी बात को? कहीं समझ में आया है क्या कहा मैंने तुम्हें? तो इसलिए मेरे समय चूंकि ये चूकी थी, कहना मेरा फर्ज है। रात को मैं खोल चला, असलियत बता चला। अब अगर किसी की मर्जी है, कोई इस पर अमल करे या ना करे, गुरु बेचारा क्या करे जो हृदय भया कठोर, ना मेरे पानी करा तो भी न भूमि को। तो हमको जो शांति नहीं मिलती उसके कारण मैंने आपको बता दिया, उसकी वजूहत बता दी।